मेरा तो वीडियो है, होप यू आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। सो अभी ऑलरेडी 2 बज के गया है दोपहर का और मैं अभी यहाँ चर्चगेट स्टेशन के जस्ट बाहर हूँ, प्लेटफॉर्म से जस्ट बाहर आई हूँ और अभी हम लोग आज जा रहे हैं काला घोड़ा फेस्टिवल। तो यहाँ से मैं आपको शो करूँगी कि आगे कैसे कैसे जाना है, आप कहाँ पर भी रहेंगे तो आपको चर्चगेट स्टेशन आना है और फिर यहाँ से आगे आपको कैसे जर्नी करना है वो मैं आपको शो करूँगी। ये 28 तारीख तक ही है तो आज ऑलरेडी 27 हो गए, बट यहाँ अगर कल आप आ सकते हो तो कल आ जाइए या फिर आप नेक्स्ट ईयर आ सकते हो, हर साल होता है वैसे काला घोड़ा फेस्टिवल। आप स्टेशन से बाहर निकलोगे ना यहाँ पर कैब मिलेगा आपको, तो बस कैब आपका 20 रुपीज़ पर सीट लेगा काला घोड़ा के लिए, बस आपको कैब पकड़ना और जाना। जस्ट काला घोड़ा फेस्टिवल यहाँ से एग्जिट है और आगे से एंट्री है, तो अभी अपन एंट्री में जाएंगे। यहाँ पे देख रहे हो बहुत सारे लोग अलग अलग चीज़ें बना के ना ये कर रहे हैं, बेच रहे हैं खाने पीने की चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें। ऐसा ना सिक्योरिटी चेकिंग है ये लेडीज़ का, वो साइड में जेंट्स का, बहुत ज़्यादा रश है अभी फ़िलहाल तो। यहाँ पर ये काला घोड़ा फेस्टिवल है यहाँ पर और अभी हम लोग यहाँ से ना एंट्री करेंगे अंदर। ये देखो एंट्री पे ही ना ये बना है और ये आई थिंक कार्डबोर्ड का पूरा और कितना मस्त लग रहा है एक्सटर्नल माइक। ये देखो यहाँ पे कितना मस्त लग रहा है, ऐसे जस्ट फॉर फन है ये खेलने के लिए। और यहाँ पर ये देखो इतना ब्यूटीफुली क्राफ्ट किया है ये, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ, इतना ब्यूटीफुली क्राफ्ट किया हुआ है, काफ़ी अच्छा है। ये देखो इसमें पूरा बटन्स के साथ में इन्होंने ना पूरा कारीगरी की है, काफ़ी मस्त लग रहा है। कैसा है गुनाल? बहुत सही है ना। ये अपन वो ब्लैक में वाला था ना फैशन डिजाइनिंग में, वो ऐसे पहना। हाँ ये देखो मैं फ्रंट से दिखाती हूँ आप लोगों को, सो ब्यूटीफुल, काफी अच्छे से। यहाँ पर ना एक आर्ट पीस बनाया हुआ है और यहाँ पर इसके डिटेल्स दिए हुए हैं और ये पूरा आर्ट पीस है। और ये पूरे गैलेक्सीज वगैरह दिए हुए हैं, काफी ब्यूटीफुल लग रहे हैं। जैसे आप अंदर एंट्री करते हो ना तो यहाँ पर आर्ट पीसेस के साथ में ना आपको स्टॉल्स भी मिलेंगे, तो यहाँ पर आपको कपड़े ज्वेलरी और फिर आर्ट पीसेस भी मिलेंगे होम डेकोर के लिए। सी यहाँ पे काफी ब्यूटीफुल आर्ट पीसेस रखे हुए हैं इन्होंने। ये आर्ट पीस ना बहुत ज्यादा मीनिंगफुल है। सी यहाँ पर बर्ड्स है ना जो वो केज के ऊपर है, मतलब पिंजरे के ऊपर है और जो इंसान है ना उसका माइंड है केज के अंदर, ये बहुत ज्यादा मीनिंगफुल है। और यहाँ पे आपको ट्रैप करके फुल डिटेल्स मिलेंगे, तो आप रीड कर सकते हो ध्यान से। ये आर्ट पीस मुझे बहुत अच्छा लगा, काफ़ी ज़्यादा मीनिंगफुल है अभी के जो सिचुएशन चल रहा है ना फिलहाल इंडिया में उस हिसाब से। तो
जो लोग कालाघोड़ा फेस्टिवल में रेगुलर जाते हैं ना, उनको पता होगा ये कार के बारे में। ये बहुत आइकॉनिक कार है कालाघोड़ा फेस्टिवल की। इसको हर साल अलग अलग तरह से डेकोरेट किया जाता है, तो आज इसको प्लास्टिक प्लांट्स ऐसे करके कुछ डेकोरेट किया है, और हेतल शुक्ला घर के आर्टिस्ट है उन्होंने डेकोरेट किया है। यहाँ पर उनका इंस्टाग्राम आईडी भी है, तो जो लोग यहाँ पर फ़ोटो निकाल रहे थे ना, शायद उन्होंने उनको टैग वगैरह भी किया होगा। मैंने तो इधर फ़ोटो नहीं निकाला। और कार के ऊपर जो दिख रहा है ना आपको, पोल्यूशन वाला पूरा सीन दिया था। और ये जो दूसरा वाला आर्ट था ना, ये मुझे बहुत मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ITM इंस्टीट्यूट का है, इन्होंने बनाया था ये आर्ट। एक्चुअली यहाँ पर जितने भी आर्ट्स आप देखोगे ना, तो इंडिविजुअल आर्टिस्ट ने भी बनाए हुए हैं, कुछ ग्रुप्स ने किया हुआ है, कुछ इंस्टीट्यूट ने, स्कूल्स ने, अलग अलग तरह मतलब जगह से लोगों ने आर्ट्स बनाए हुए हैं। और ये आर्ट्स मुझे बहुत अच्छा लगा। ये वाला जो आर्ट है वो देख रहे हो, जो स्टूडेंट है वो अपना फ्लाई कर रहा है नॉलेज को लेकर, और वो नॉलेज जो है अलग अलग किताबों से, और नीचे उनके पेरेंट्स है और फिर टीचर्स है, उनके सपोर्ट से वो स्टूडेंट एक अपना नॉलेज के लिए अपनी फ्लाइट पकड़ी है। तो ये बहुत मीनिंगफुल है। और ऐसे ही आर्ट्स की वजह से ना कालाघोड़ा फेस्टिवल ना बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना मतलब फेमस है। और ये ITM ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स जो है उन्होंने ये बनाया हुआ है आर्ट, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। और यहाँ पर ये स्टॉल था, एक्चुअली मैं स्टॉल ज़्यादा कवर नहीं करने वाली थी, बट मेरी नज़र ना यहाँ पर जो पर्स थे ना उनके ऊपर गई, और मैं नज़दीक गई जब देखने के लिए, ओह माय गॉड, इतना ज़्यादा हेवी था ये, पूरा मेटल का बना हुआ था। इसका बेल्ट देखो यार, इतना मस्त इसमें डिज़ाइन किया हुआ था ना, और इसमें काफ़ी अलग अलग वेराइटीज़ थे मेटल में। और इनके पास में मैंने जब देखा ना, तो ईयरिंग्स थे इनके पास में, बहुत अच्छे अच्छे ईयरिंग्स थे। थोड़ा सा इनका प्राइस कॉस्टली था, बट फिर भी अच्छा था, क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी। फिर चोकर्स थे इनके पास में, नेकलेसेस थे, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें थी, वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी स्टॉल पर। यहाँ पर इस आर्ट में आप देख सकते हो, यहाँ पर इन्होंने बॉटल से ना ऑक्टोपस बनाया था। और एक आर्ट है आगे मैं आपको दिखाऊंगी, वो भी ऐसे ही है ना, सी क्रिएचर्स के ऊपर ही बनाया हुआ है, और ये मुंबई महानगर पालिका जो है ना उन्होंने बनाया हुआ था, BMC वालों ने, तो वो काफ़ी अच्छा था। यहाँ पर रश देखो, कितनी सारी रश है। ऊपर अगर देखेंगे ना, तो ये इतने बड़े पेड़ थे, और उनके ऊपर ना कलरफुल अम्ब्रेलाज ना मतलब उल्टे लटकाए हुए थे, वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। मतलब यहाँ पर एक एक चीज़, मतलब रोड पे देखो या वॉल्स पे देखो या फिर आप पेड़ों पे देखो, हर चीज़ को ना इन्होंने छोड़ा नहीं है। सब पूरा ना मतलब हर एक आर्टिस्ट ने कुछ अपना क्रिएटिविटी दिखाया है। वैसे जहाँ से भी हमने एंट्री किया था ना, हमने वहाँ से एग्ज़िट नहीं लिया, हमने दूसरे साइड से एग्ज़िट लिया। आप घूम के भी पीछे जा सकते हो वापस, बट हम लोगों ने वहाँ से नहीं लिया एग्ज़िट, क्योंकि हम लोगों ने सोचा कि चलो यहीं से चले जाते हैं। और आर्ट आपको लास्ट मतलब स्टार्टिंग टू एंड तक है ना, आपको आर्ट्स देखने को मिलेंगे। हर एक छोटी छोटी चीज़ में ना आपको देखने को मिलेगा कुछ नया। तो ये भी एक ना हैंड वाला था, इन्होंने बनाया था। और यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पे भी स्टॉल्स थे। मैंने एक्चुअली ना ये स्टॉल पर मेरे को लिपिन आर्ट करके ना जो है वो दिखा था, तो मैं नज़दीक गई जब देखने के लिए, तो इनकी स्टार्टिंग रेंज थी 2200 का स्टार्टिंग था। एक मैंने हाथ में भी लिया था इनका पर्स, बहुत ज़्यादा अच्छा था, आपको मैं दिखाती हूँ अभी। काफ़ी इसके ऊपर जो डिटेलिंग था ना काफ़ी अच्छा था, और क्वालिटी काफ़ी हेवी थी, और इसकी प्राइस थी 2200। ये गिरने वाला था वैसे मेरे हाथ से, ये लिपिन आर्ट बोलते हैं इसको, और ये टोटली हैंडमेड रहता है ये आर्ट, और ये आप कस्टमाइज़ करके भी ले सकते हो। और इनका जो इंस्टाग्राम आईडी है ना, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, इन केस अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ से ले सकते हो। लेकिन इनकी रेंज थोड़ी हाई है, तो वो हिसाब से आप इनसे बात कर सकते हो, लेकिन कस्टमाइज़ करोगे ना एकदम सॉलिड लगेगा। बहुत अच्छा था यहाँ पर, और क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा था। इसके बाजू में यहाँ पर ना मैंने ये देखे थे, शर्ट्स वगैरह देखे थे, एक्चुअली मुझे काफ़ी अच्छे लगे ये शर्ट्स। और इनके पास में ना मतलब प्लस साइज़ में भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल थी। जस्ट बाजू में ही सेम स्टॉल पर ही लगाया था उन्होंने, और 4XL तक इनके पास में ना अवेलेबल थे। और इसके ऊपर जो इन्होंने डिटेलिंग दिया हुआ था ना प्रिंट का, वो भी काफ़ी अच्छा था, प्योर कॉटन मटेरियल में था। इनके पास में स्टार्टिंग रेट शर्ट्स की 1200 रुपीज़ से स्टार्टिंग थी, और बहुत सारी वेराइटीज़ थी।
दो थे इनके पास में फिलहाल, तो एक फुल स्लीव्स वाला था और एक हाफ स्लीव्स वाला था, तो मुझे तो दोनों भी काफ़ी अच्छे लगे। और इनका जो मटेरियल क्वालिटी है ना, काफ़ी ज़्यादा ठीक था। वैसे कॉटन में थे, प्योर कॉटन में थे, और ये टोटली हैंडमेड प्रिंट्स है, मतलब ऐसे प्रिंट किया हुआ नहीं है, हैंडमेड पेंट किया हुआ, तो उसकी वजह से ना इसकी जो क्वालिटी है वो और बढ़ जाती है। और इनका नाम था सिनेमन लाइफस्टाइल, ये जो स्टॉल का था, तो इसका भी मैं इंस्टाग्राम आईडी ना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये देखो यहाँ पर गेम्स लगाया है और इतने बड़े बड़े लोग भी ना उसमें घुस घुस के खेल रहे हैं, कितना एंजॉय कर रहे हैं। देखो छोटे बच्चे तो खेल ही रहे हैं, लेकिन बड़ों को भी कितना मजा आ रहा है इसमें खेलने के लिए। सही है। हम लोग ऑलमोस्ट एंडिंग तक आ गए हैं और यहाँ से हम लोग एग्जिट करेंगे बाहर, घूम के भी रिटर्न जा सकते हैं। वहाँ पर भी एग्जिट है, दोनों साइड में एंट्री और एग्जिट दिया हुआ है। 28 लास्ट डेट है ये ब्लॉग, जब आप देखोगे तो ऑलरेडी आप 28 तारीख को देखोगे तो उस दिन लास्ट डेट रहेगा। तो एक्चुअली मुझे लेट हो गया था आने के लिए और कवर करने के लिए काला घोड़ा, बट यहाँ पर काफ़ी अच्छा लगा हम लोगों को। कैसा लगा कुणाल, आवाज एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा लगा। पसीना हो गया, लेकिन गर्म गर्मी बहुत है। बट बहुत अच्छा लगा। और अगर आप लोगों को विजिट करना है काला घोड़ा फेस्टिवल, तो आप लोग नेक्स्ट ईयर आ सकते हो। जो भी डेट्स वगैरह रहेंगे नेक्स्ट ईयर के, वो अगर मुझे पता चले अभी, तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, या फिर आप नेक्स्ट ईयर कभी भी गूगल कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा। आई होप गाइस आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, फिर मिलेंगे किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय, लव यू।